हेलो फ्रेंड्स, अंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पोहे के कटलेट। तो चलिए शुरू करते हैं आलू पोहे के कटलेट बनाना। सेवई लिया है जो घर के बनी हुई है, सूजी का हमने घर में बनवा के रख लिया था, और पोहा लिया है। तो पोहा को हम धो के और थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो पहले इसे मैश कर लेते हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़े में हम इसे तोड़ के हल्का से इसे सेक लेंगे। इसे छोटे टुकड़े हमने कर लिया है तोड़कर। अब पोहे को धो लेती हूँ। इसे दो पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे कि जो इसमें डस्ट और स्टार्च रहता है वो निकल जाए। पोहा धो के रख लिया है, इसे 2 मिनट के लिए रख लेती हूँ कि अच्छी तरह से ये फूल जाए। इतने देर में मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। बिना तेल का हमें इसे रोस्ट करना है। आप इसे मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करें। हल्का सा रोस्ट हो गया, थोड़ी सी और कर लेती हूँ। सेवई रोस्ट हो गया है, पोहे अच्छे तरह से भीग गए हैं। ये देखिए फूल गए अच्छी तरह से। इसमें हाथ से थोड़ी सी मैश कर लेती हूँ। पोहा मैश हो गया। अब इसमें उबले हुए आलू, हमने 2 बड़े आलू को पीस के रख लिया था, यानी मैश करके रख लिया था इसे। एक कटोरी कटा हुआ प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च कटा हुआ, कटा हुआ धनिया पत्ता, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर इसका, नमक स्वादानुसार, सारे मसालों को अच्छी तरह से आलू और पोहे में मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से हमने बैटर तैयार कर लिया है कटलेट का। इसमें पोहे आलू मसाले सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे कटलेट का आकार दे रही हूँ मैं। अब इस तरह से थोड़ा सा हाथ गीला करके ऑयल लगा लीजिए हाथ में कि चिपके ना। इसे लंबे लंबे जैसे स्क्वायर रहता है ना, उस तरीके से हम ऐसे बनाएंगे चौकोर साइड में। इस तरह से स्क्वायर हमें बनाना है, बिल्कुल चौकोर। ये देखिए बचे हुए बैटर का मैं कटलेट का शेप बना लेती हूँ। कटलेट हमने बना लिया है। अब मैदे का ऐसा पतला सा घोल बनाऊंगी इसे कोटिंग करने के लिए सेवई के साथ में। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ।
देखिए पतला सा हमने इसका घोल बना लिया मैदे का। एक एक कटलेट को हम इसमें डिप करेंगे मैदे के घोल में। और सेवई से कोटिंग कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। इसी तरह बचे हुए कटलेट को भी डिप करके सेवई से कोटिंग करके हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से एक एक करके अच्छी तरह से हम इसे पलट लेते हैं ताकि दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए कलर कितने प्यारे इसके आ रहे हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप घर में जरूर ट्राई करें। कटलेट हमने फ्राई कर लिए हैं, इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेती हूँ। जो बचे हुए कटलेट है उसे भी मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ। कटलेट बनके तैयार हो गया है, मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना, इसमें ज्यादा सामग्री नहीं लगा है। अगर सुबह आप पोहे खाकर बोर हो गए हैं तो आप इस तरह से कटलेट जरूर बनाएं। इसमें पोहे और आलू उबला हुआ मिक्स है और हमने सेवई से इसे कोटिंग करके इसे फ्राई करके बनाया है। बहुत आसानी से बन जाता है। कटलेट को आप चटनी सॉस के साथ में सर्व करें, अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करें। थैंक यू।